हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम आपको कॉफी या फिर लोबिया या फिर बरबटी या फिर चौला की फली कैसे उगाते हैं, पहले दिन से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ए टू जेड वीडियो के माध्यम से साझा होगी। साथ ही साथ कौन सा फर्टिलाइजर देना है, सपोर्ट देना है, पानी कैसा डालना है, ये पूरे विस्तार में हम आपको बताने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे और वीडियो को करते हैं शुरू। एक एक ग्रो बैग में हमने 4 या 5 बीज लगा दिए और बीज लगाने के 10वें दिन के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं। सभी ग्रो बैग 12 इंच बाय 12 इंच की है और यहाँ पर प्रॉपर जर्मिनेशन हुआ है। अभी पौधे बड़े हुए हैं, इसके बाद अभी सभी ग्रो बैग के पौधे निकाल देंगे और एक एक ग्रो बैग में 1 या 2 ही पौधे हम रहने देंगे, तभी ये अच्छे से ग्रो कर सकेगी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज टाइम ऑफ सोइंग, कि हमें बरबटी कब लगानी चाहिए या फिर जो चौलाई की फली होती है ये कौन से महीने में लगानी चाहिए। अगर हम बारिश के दिनों की बात करें तो जून, जुलाई, अगस्त में हम ये फली लगा सकते हैं। साथ ही साथ समर के दिनों में, मतलब जब धूप अच्छे से निकलती है, जनवरी, फरवरी, मार्च में हम ये फली लगा सकते हैं। ठंडी के दिनों में इसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जब टेम्परेचर 20 के बिलो चला जाता है तब यहाँ पर प्रॉपर जर्मिनेशन साथ ही साथ अच्छे से फलवार फूल नहीं आ पाते। अगर आप इसको ठंडी के सीजन में लगाना ही चाहते हैं तो अक्टूबर और नवंबर में आप इसे लगा सकते हैं। हमने ये जून के महीने में लगाई थी। जून जुलाई में इसमें बहुत ही लाजवाब ग्रोथ होती है, साथ ही साथ हार्वेस्टिंग भी होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉट साइज, कि हमें चौलाई की फली के लिए कौन सा पॉट साइज इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम हॉरिजेंटल कैरी में भी इसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप जब ग्रो बैग की बात करते हैं तो ग्रो बैग में 12 इंच बाय 12 इंच के ग्रो बैग में आप 2 ही पौधे लगाइए। उससे ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो पौधे भी बढ़ेंगे लेकिन उस पर फलियाँ ज़्यादा नहीं आएंगी, इसलिए हमें 12 इंच बाय 12 इंच के ग्रो बैग में पहले 3 या 4 सीड लगाना है, पौधे बड़े हो देना है, उसके बाद उसे निकाल देना है और यहाँ पर 1 या 2 ही पौधे आप एक ग्रो बैग में रहने देंगे। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कितना लाजवाब रिजल्ट आपको उसके बाद मिल जाएगा। चौला की फली एक गर्म सीजन वाला क्रॉप है जिसे हम वार्म वेदर क्रॉप कहते हैं। तो ये समर के दिनों में या फिर जब बारिश के दिनों में भी गर्मी ज़्यादा होती है तो ये पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं और अच्छी हार्वेस्टिंग भी हमें देते हैं। साथ ही साथ ठंडी के दिनों में पौधे में फूल बहुत ही कम आते हैं, फ्लावरिंग ज़्यादा इस पर नहीं होती, साथ ही साथ इसमें फल बहुत कम लगते हैं, फलियाँ कम लगती है और बहुत सारे डिसीज भी आते हैं। तो हो सके तो हमें ठंडी के दिनों में इसे अवॉइड कर देना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि हमें कॉफी या फिर बरबटी के पौधे के लिए कैसी मिट्टी बनानी है। तो हम जब मिट्टी बनाते हैं उसमें 20% सैंड डाल दीजिए और 60% काली की मिट्टी और बचे हुए परसेंट में आप नीम खली साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छी सड़ी गली हुई काउडंग इस पर डाल सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर ड्रेनेज देगी। साथ ही साथ मिट्टी में जो न्यूट्रिशन की वैल्यू होगी वो अच्छी होगी, उसमें बैलेंस एनपीके भी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड साइज से भी हम आपको ग्रो बैग का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। गैलरी में सभी ग्रो बैग रखी है, पूरी धूप में रखी है। यहाँ पर आप मिट्टी का टेक्सचर देख सकते हैं। मिट्टी में हमने थोड़ी सी लास्ट में बोन मील भी डाली थी, आप ऊपर के साइड में देख सकते हैं। जब हम पौधे की मिट्टी बनाते हैं तभी इसमें अगर वर्मी कंपोस्ट 20% या फिर काउडंग भी 20% मिला देते हैं तो बाद में हमें कोई भी खाद देने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती। और काली की मिट्टी में पहले से ही कंपोस्ट एवं साथ ही साथ रेती या फिर जो बालू होती है उसे पहले मिक्स कर देते हैं तो अच्छे से ड्रेनेज बन जाता है, मिट्टी पोरस बनती है, पौधे को एरेशन का रेशियो अच्छा बना रहता है, साथ ही साथ पौधे में कोई भी फंगस का अटैक नहीं होता। उसके अलावा पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर बारिश में ड्रेनेज अच्छा चाहिए। सभी ग्रो बैग को नीचे से 10 या 8 होल होने चाहिए ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लाइंबर सपोर्ट। चौलाई के ये जो पौधे होते हैं 2 या 3 फीट या फिर उससे भी 4-4 फीट तक कभी कभी इसके बेले बढ़ जाती है, तो हमें इसे सपोर्ट देने की आवश्यकता होती है। जब ग्रो बैग में हम इसे उगाते हैं तो आप 2 या 3 लकड़ी इस पर गाड़ दीजिए और उस पर दोरिया चढ़ा दीजिए और उस पर ये वेल अपने आप चढ़ जाएगा। अगर आपने सपोर्ट नहीं भी दिया तो भी ये प्रॉपर ग्रो करता है, लेकिन सपोर्ट देने से क्या होता है, एरेशन का रेशो अच्छा होता है, बारिश का पानी इजीली निकल जाता है, पौधे पर फंगस की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होती और इसमें जो फ्रूट की संख्या होती है, मतलब जो फलियों की संख्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेस्ट कंट्रोल। ये पौधे पर ब्लैक ऑफिड, जो कि इसे मावा कहता है, इसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। पौधा 30 दिन का जब हो जाए तब ये अटैक होना शुरू होता है। तो हमें क्या करना है, हमें
5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में अच्छे से मिलाकर स्प्रे करना है 15 दिन के अंतराल में। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल सकते हैं, मतलब 2 ग्राम नमक 1 लीटर में डाल के और इसमें नीम ऑयल अच्छे से मिक्स करके फिर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, पूरे पौधे को नहला दीजिए तो पौधा कड़वा हो जाएगा, तो आपको ब्लैक अफिड से निजात मिल सकता है। अगर आपको नीम ऑयल या फिर ऐसे ही कोई बाय प्रोडक्ट खरीदने हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। ओरिजिनल क्वालिटी का नीम ऑयल स्प्रे करेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो आपको ब्लैक अफिड से राहत नहीं मिलेगी। अगर आपके पौधे पर पहले से ही ब्लैक अफिड्स का अटैक हो चुका है तो 3 दिन के अंतराल में 3 स्प्रे कर दीजिए, मतलब 1 स्प्रे करना है उसके 2 या 3 दिन के बाद और स्प्रे करना है। हमें नीम ऑयल की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो पौधे मुरझा जाते हैं। और ये जो स्प्रे होता है सुबह या शाम के टाइम में करना है, धूप में इसे अवॉइड करना है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटरिंग। पौधे को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन ये वेल वर्गीय पौधे हैं, ज़्यादा पानी में ग्रो करते हैं, तो बारिश के जब पानी इसे मिलता है तो हमें पानी देने की आवश्यकताएं नहीं होती, लेकिन जब धूप निकलती है और बारिश का पानी नहीं होता, जब ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूख जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तभी इसको पानी दे। 1 ग्रो बैग में 1 लीटर पानी सफिशेंट होता है, उसके 2 या 3 दिन के बाद भी आप इसे फिर से वाटर दे सकते हैं। ज़्यादा पानी से इसकी जो फ्लावर होती है वो ड्रॉप हो जाती है और हार्वेस्टिंग भी अच्छी नहीं मिल पाती। आप पौधे में देख सकते हैं कि कितनी सारी हार्वेस्टिंग यहाँ पर हमें मिली है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग हमें कब करनी है, जब इसकी फलियाँ नॉर्मल साइज की हो जाए और जब कोहली होती है तभी इसको हार्वेस्ट कर देना चाहिए। ज़्यादा इसे पकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि टेरिस गार्डनिंग में एनर्जी की जो लेवल होती है पौधे की वो सफिशेंट होती है, मतलब कम मात्रा में होती है या फिर जितनी चाहिए उतनी नहीं होती, रैदर देन दी जमीन के पौधे। तो हमें जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट करना है और इसके बीज हमें नहीं बनने देना है। जब फलियों में बीज बनते हैं तो पौधा ज़्यादा एनर्जी इसको दे देता है, मतलब पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बीज बनने में लग जाती है और नई फ्रूटिंग यहाँ पर नहीं होती, हमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं मिलती। हमें कितने पौधे लगाने हैं ताकि हमारे फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अगर आपकी फैमिली 4 या 5 जन की, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी, यहाँ पर 0.5 किलो के बराबर हार्वेस्टिंग हमें मिली है, तो हमें 7 या 8 ग्रो बैग में मल्टीपल में, अगर 8 ग्रो बैग है तो 16 पौधे हो जाएगी। 16 पौधे सफिशियंट होते हैं 4 या 5 फैमिली के लिए। इसकी 3 या 4 दिन के या फिर 5 दिन के अंतराल में हार्वेस्टिंग होती ही रहती है, इसमें बहुत सारी फलियाँ आती रहती है। तो ये वीडियो में हमने सभी पॉइंट कवर की है। जून या जुलाई के महीने में इसे लगा सकते हैं या फिर जनवरी फरवरी के महीने में इसे लगा सकते हैं। साथ ही साथ ग्रो बैग का साइज 12 इंच बाय 12 इंच के ग्रो बैग में 2 पौधे लगाने हैं। अगर 2 बाय 2 फीट की हॉरिजेंटल ग्रो बैग होती है तो इसमें 6 या 8 पौधे आप लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार देंगे। वर्मी कंपोस्ट आप फर्टिलाइजर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नीम ऑयल की बात करें, मतलब पेस्ट कंट्रोल की बात करें, तो 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर में डाल के अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, आपको ब्लैक अफिड से अच्छे से निजात मिल जाएगा। साथ ही साथ पौधे में पानी पर्याप्त मात्रा में देना है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग से पौधे में बहुत सारे डिसीज आ जाते हैं। अगर हम क्लाइंबर की या फिर क्लाइंबर सपोर्ट की बात करें तो पौधे को सपोर्ट देना बिल्कुल ही आवश्यकता होता है। फ्रेंच बीन जो होती है उसे सपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये हमारी कॉपी या फिर बरबटी या फिर चौलाई की फली होती है, इसे सपोर्ट देने की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि इसके बेले होते हैं ऊपर ऊपर चढ़ जाती है। हम आपको करेले के बेल भी दिखा रहे हैं, इसको भी अच्छे से हमने सपोर्ट दिया हुआ है। अगर आप अच्छे क्वालिटी के वेजिटेबल के सीड एवं फ्लावर के सीड, साथ ही साथ गार्डन के सभी कंपोस्ट या फिर टूल्स खरीदना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी क्वालिटी के हाइब्रिड एवं अच्छे क्वालिटी के सीड आपको मात्र 20 या फिर 25 रुपीज के छोटे या किचन गार्डनिंग पैक में आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ नीम ऑयल 250 ml की बात करें तो 170 रुपये में आपको ये बॉटल मिल जाएगी। अब कुछ सिनेमैटिक व्यू हमारे गार्डन के देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अच्छी पैदावार आपको मिली है। यहाँ पर बहुत सारी फलियाँ लगी है और 5 या 7 दिन के अंतराल में बहुत सारी फली मिल जाती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।